गाइस ये होटल है जहाँ पर नाइट में आकर के हम लोग रुक गए थे। रात में तो कुछ समझ में नहीं आता, सागर रिसॉर्ट्स के नाम से है और कुछ ऐसी वादियों के बीच में घिरा हुआ है। गाइस मनाली से हम लोग निकल पड़े हैं अटल टनल की ओर और आप देख रहे हैं हम सब में जो कॉस्ट्यूम होता है डोगरी आई थिंक बोलते हैं इसको, डांगरी हमने पहन लिया है, सभी ने पहन लिया है और पीछे भी देखिए बच्चों ने भी पहन लिया है और मैंने भी टोपा नहीं है। छोटू के पास है तो आप देख सकते हैं हम सब ने पहन लिया है। और गाइस सामने का जो व्यू है वो आप देखो, टनल पे हम लोग एंट्री कर रहे हैं। तो गाइस अटल टनल के हम लोग कुछ इस तरह से बाहर आ गए और यहाँ का नज़ारा आप देखो एकदम ही चेंज है। ओहो इधर है, ये है पूरा का पूरा, आप देखो ये कुछ अलग ही है भाई, नेक्स्ट लेवल। ये देखो पीछे ये यहाँ से अभी एग्जिट हुए हैं टनल से। तो गाइस ये देखो कुछ ये है वादियाँ, यहाँ पर आ गए हम। क्या हवाएं चल रही हैं पहाड़ों के बीच में। तो गाइस ये जो पानी आ रहा है ना अभी आप देखोगे कितना क्लियर है, आपको एकदम पूरा नीचे का दिख जाएगा कितना क्लियर पानी आ रहा है। ये ऊपर पहाड़ों से चला आ रहा पानी। तो फ्रेंड्स हम लोग ग्रामफू के पास में आ गए हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप पूरा आइस है और बारिश बहुत तेज हो रही है, मौसम पूरा ख़राब हो गया है। अभी आप देखोगे तो पूरा जाम भी लगा हुआ है, यहाँ पर पूरा जाम लगा हुआ है, काफ़ी लंबा जाम है और बारिश भी बहुत तेज है। बच्चे परेशान है हमारे, आइस में खेलना है, आइस में खेलना है और गुस्सा हो रहा है इसीलिए। पानी भी इतना ठंडा है लेकिन ये मैक्सिमम गर्म है। तो गाइस देखो कितना ज़्यादा जाम लगा हुआ है और हम चले जा रहे हैं पहाड़ों में घूमने के लिए और बच्चे भी हमारे काफ़ी एक्साइटेड हैं। हम लोग एक्साइटेड हो, आप लोग कि नहीं हो, मज़ा आ रही है ना, तो काफ़ी मज़ा आ रही है, साथ में ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है। कैसे बोलेंगे, बोल जल्दी बोल। हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम कहाँ आए, आज हम पहाड़ों में आए, तो बताओ जल्दी बताओ कहानी बताओ। हाँ फिर से आज हम लोग पहाड़ों में आ गए और अभी बर्फ पे आ गए पहाड़ों पे, चढ़ते जाओ। ये है चढ़ाई, ये भैया बहुत स्लिपिंग है गाइस, अमेजिंग एक्सपीरियंस, मतलब कि जो इसको बताना मुश्किल है, एडवेंचर तो है ये। साथ में बच्चों को भी मजा आ रही है, थोड़ा और ऊपर चलते हैं देखते हैं कैसा क्या है आगे आगे पहाड़ों भैया। और हम लोग गिर गए भाई, स्लिप कर गए हैं, गिर गए हैं, यहाँ पर बैठ गए इसलिए और एक साथ बैठे हुए हैं, पकड़े हुए हैं ताकि आगे भागे नहीं। स्लोमो वोमो नहीं बनाओ यार, बहुत ठंड हो गया, चलो तो गाइस इनका फोटो शूट चल रहा था, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया है तो देख सकते हो आप कितना एंजॉय कर रहे हैं लोग। और साथ में देखो मैंने भी ऐसे कर लिया है और हम लोग सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों को बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है।
आ गए। तो फ्रेंड्स काफ़ी ठंडी हो गई यहाँ पर, छोटू को हमारे काफ़ी ठंडी लग गई है। चाय ले लिया हमने, चाय और मैगी ऑर्डर किया है, चाय पी रहे हैं अभी और मैगी बन रही है। और प्रियंका का भी वही हाल है। आराध्या को देखो, आराध्या तो रोने लगी ठंड की वजह से। छोटू को भी ठंड लग गई है, छोटू भी रो रही है। और छोटू बोल दो, कुछ तो बोल दो, क्या हुआ है? तो गाइस मैगी खाना शुरू हो गया है, यहाँ पर सब लोग मैगी खा रहे हैं और बच्चे भी खाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे रो रहे हैं ठंड की वजह से, तो बच्चों का विशेष ख्याल रखें जब भी यहाँ कहीं आए। तो क्या लुक है यार इस नदी का, आप देखो नदी के किनारे हम आ गए और ये पुल है काक्सोर का, और देख सकते हैं व्यू, व्हाट अ व्यू। ऊपर देखो आप, यही अभी ऊपर से हम आ रहे थे, रास्ते में व्यू काफ़ी अच्छा लगा तो सोचा कि ये एक व्यू आपको दिया जाए। तो गाइस अभी हमें अटल टनल के पास, अभी आप देख रहे हो, अब हम लोग यहाँ से एंट्री करेंगे और ये अभी पुल है जिसके यहाँ से एंट्री होती है। आप देख सकते हो अटल टनल रोहतांग लिखा हुआ है और यहाँ पे कितनी बर्फबारी हो रही है, आप देखो पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है यहाँ पर। पूरा फुल एंजॉयमेंट हो रहा है यहाँ पर हमारा, और ठंड इतनी ज़्यादा है कि बोलते नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा कपकपी लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो गाइस ये है सिलोंग वैली, मौसम भी ख़राब है, बच्चे हैं छोटे छोटे, तो रूम पर जाएंगे हम लोग, बारिश हो रही कंटिन्यू।